फ्रेंड्स, वेलकम टू पी यू टी वी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मोरी डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हम जिस तरह से स्ट्रिप रेडी करके सलवार के अंदर लगाते हैं, उस तरह से हमने ये कर लिया है। बुकरम इसमें स्ट्रिप में डाल के इस तरह से इसके अंदर लगा ली है। अब हम इसके इस किनारे पे और यहाँ पे ये जो देखिए हमें स्ट्रिप नज़र आ रही है, यहाँ पे इस किनारे पे दोनों तरफ एक एक सिलाई लगा लेंगे। अब हमने ये दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा ली हैं, ये हमारा बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। को हम एक और बात बता देते हैं, जो हमने इसकी चौड़ाई ली है बुकरम की इस केस में, वो हमने 2 इंचेस से 2 पॉइंट कम ली है, मीन्स 2.5 इंच ली है। अब हम पूरी इसमें मोरी में इसकी पूरी लेंथ में इस तरह से 1 1 इंचेस पे मार्क करेंगे। इस तरह से और नीचे की तरफ भी हम 1 1 इंचेस पे मार्क करेंगे। जहाँ भी हमारा 1 इंच आ रहा है, इस तरह से हम ये देखिए इस तरह से करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, ये जस्ट हमने एक आइडिया के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज हम बिना ड्रॉ किए भी इसी तरह ऐसे ही बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। ये हम अब ये देखिए ये जो हमारा ये पॉइंट है, यहाँ तक इस तरह से स्लैंट ड्रॉ करेंगे। फिर हम इस तरह से ज़िगज़ैग, फिर से यहाँ से स्लैंट इसके बिल्कुल इक्वल यहाँ पे सामने, और फिर इस तरह से ज़िगज़ैग, और इसी तरह से पूरी मोरी में ड्रॉ कर लेंगे। और इस पे सिलाई लगा देंगे। अब हम जब ये ज़िगज़ैग वाला इस तरह से पैटर्न बनाएंगे, तो हम प्रेशर फुट का यूज़ करेंगे। इसको इस तरह से हल्का हल्का सा उठाते हुए और साथ में इस तरह से कपड़े को आगे पीछे करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पे इन दोनों का सेंटर है जो, ये देखिए सेंटर में इस तरह से मार्क करेंगे, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम यही पैटर्न बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए अब इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से हमने बना लिया है। अब हम यहाँ से इस कॉर्नर से ये देखिए इस तरह से करते हुए इस तरह से बनाएंगे। और इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।